शिक्षक बहाली से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक बहाली की नई नियमावली तैयार कर दी गई है। बहाली प्रक्रिया से जनप्रतिनिधि बाहर होंगे। मुखिया प्रमुख जिला परिषद की भूमिका अब खत्म हो जाएगी। मेयर भी बहाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में मोहर लगाई जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद सातवें चरण में शिक्षक बहाली हो सकेगी। प्रारंभिक स्कूलों में 1,00,000 पदों पर बहाली होगी, वहीं हाई स्कूलों में 75,000 पदों पर बहाली की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लंबे समय से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उस पर सवाल उठता रहा है। ऐसे में सातवें चरण की जो बहाली होनी है, इससे पहले सरकार ने कई बदलाव की है। और बता दें आपको कि जो नई नियमावली है उसको लेकर सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अब मोहर लगा दी है कि अब पूरी प्रक्रिया जो है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेंट्रलाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुखिया होते थे या फिर जिला परिषद सदस्य होते थे, मेयर, तमाम लोगों को इस प्रक्रिया से अब बाहर कर दिया गया है। और अब शिक्षा विभाग से मोहर लगने के बाद ये प्रस्ताव अब कैबिनेट में जाने वाला है। और कैबिनेट में मोहर लगने के बाद जो सातवें चरण की प्रक्रिया है वो अब नए सिरे से अब शुरू होने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर 1,00,000 जो संख्या है वो प्रारंभिक स्कूलों के लिए है और दूसरा 75,000 हाई स्कूलों के लिए शिक्षक बहाली होनी है। हालांकि बहाली को लेकर अब तक कोई डेट तय नहीं हुआ, शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे शिक्षा विभाग के साथ और समीक्षा करने के दौरान कैबिनेट में ये प्रस्ताव जाएगा और कैबिनेट में मोहर लगेगी, उसके बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी। निश्चित रूप से जो नियोजन इकाई है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें एक तरह से बदलाव हो रहा है। अब सेंट्रलाइज यानी एक स्टूडेंट जो है अब एक साथ जो है 10 से 12 नियोजन इकाई में एक साथ फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उन्हें फिजिकली रूप से नियोजन इकाई का चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है, फर्जीवाड़ा बंद होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग अब शिक्षा विभाग करेगी। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार है, इसे कैबिनेट की मंजूरी भी जल्द मिल जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया में अब जनप्रतिनिधि यानी मुखिया प्रमुख मेयर कोई भी भाग नहीं ले पाएगा। अब जो शिक्षक बहाली है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा और संपूर्ण शिक्षक बहाली की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा विभाग की होगी। यानी अब जो फर्जी शिक्षक वाला जो हो रहा था, यानी नाम किसी और का है, बहाली किसी और का होना है, उसके स्थान पर किसी और की बहाली कर दी जा रही थी पैसे लेकर। जो ये पैसे लेकर जो धांधली होती है वो धांधली अब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।